आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने केज में डिजिटल थर्मोमीटर कैसे लगाते हैं और इसका क्या काम है और ये किस लिए लगाते हैं, ये आपको बताएंगे। डिजिटल मीटर को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कैसा है। इसमें एक ये है डिजिटल मीटर और साथ में इसके एक सेल दिया हुआ है। सेल जो है वो ये सेल दिया हुआ है। सेल दिया हुआ है। ये बात है, आप इसकी ये रिमूव भी कर सकते हैं और फिर इसमें आप इसके ऊपर रख के मैं इसके सेल ये है और ये सेल डालेंगे। सेल डाल देंगे। सेल डालने के बाद इसको बंद करना है। सेल डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग्स आ रही हैं। रीडिंग्स जो ऊपर जो दे रहा है वो टेम्परेचर दिखा रहा है। और आप यहाँ से ह्यूमिडिटी, ये ऑटोमेटिकली आपकी रूम एनवायरनमेंट को चेक करके ये इस रीडिंग दे देता है। यहाँ आप बैक पे देखें, यहाँ इसको आप ऊपर करें पर ये आप ये बटन दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का। यहाँ से आप रीडिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। सो आप यहाँ से अपनी सेल्सियस की जगह आप इधर चेंज कर सकते हैं इसको। अभी हम इसको केज में लगाते हैं। मीटर को केज में लगा दिया है और रीडिंग भी शो हो रही है 15.9 सेल्सियस। बल्ब को भी लगाया है अभी। आफ्टर फ्यू आवर्स आप देख सकते हैं मीटर को वहाँ पे रीडिंग जो शो हो रही है वो 22.7 सेल्सियस और ये टेम्परेचर है केज के अंदर का। तो ये बेस्ट है बर्ड्स के लिए विंटर में